हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग चित्रांश में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। आज हम आए हैं बालोद में, जो छत्तीसगढ़ है। यहाँ सेकंड हैंड कार दिखाने वाले हैं, जो कि लग्जरी में थार है, होंडा सिटी है, और भी नॉर्मल फैमिली कार देखने को मिलेगा। शॉप का नाम है वेलकम कार, और यहाँ भैया से बात करेंगे, पूरा डिटेल लेंगे यहाँ ओनर से, और क्या प्राइस में होने वाली है, किस रेंज में है गाड़ी, कौन सी पासिंग है, इतना इंश्योरेंस बचा हुआ है, और कुछ ऑफर भी होगा तो हम आपको बताने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर, आपका नाम क्या? आदर्श शर्मा। आदर्श शर्मा, ये शॉप कब से है? शॉप 1.5 साल हुई है। अच्छा, 1.5 साल हुई है। और लैंडमार्क जिसको लेना होगा यहाँ आने के लिए? लैंडमार्क बिहाइंड दुर्गा ऑटो। अच्छा, बिहाइंड दुर्गा ऑटो, दुर्ग टीवीएस। ये एड्रेस क्या आता है? एड्रेस ये गंजपारा ट्रांसपोर्ट नगर, नियर दुर्ग टीवीएस। अच्छा, बालोद है। एड्रेस आपको साथ ही स्क्रीन में भी मिल जाएगा, और एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। 7898977066। तो भैया ने कॉन्टेक्ट नंबर ये स्क्रीन में भी शो होगा, साथ ही जैसे कि मैंने गाड़ी का डिटेल दूंगा, आपको बीच बीच में अंदर का कंडीशंस भी देखने को मिलेगा। तो चलो गाड़ी का डिटेल लेते हैं पूरी। तो जैसे कि सर ये थार है ना, ये कौन सी मॉडल में? ये 2016 मॉडल है थार। अच्छा, इसका प्राइस है 7 लाख। 7 लाख प्राइस है। पासिंग कहाँ की? पासिंग है दुर्ग पासिंग है, 07 CG07। अच्छा, रनिंग कितना हुआ? रनिंग ये 10,000 किलोमीटर ओनली चली है। 10,000 ओनली। और अभी इंश्योरेंस है इसमें? इंश्योरेंस है इसमें। इंश्योरेंस है। और इसकी फीचर्स क्या है इसमें? फीचर्स है इसमें, गाड़ी बहुत जोरदार है थार, तो फिर ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है व्यूअर्स को। थार नाम से ही बिकती है गाड़ी। महिंद्रा की है। मॉडल क्या बताया? मॉडल है ये 2016 की। आने के बाद कुछ नेगोशिएबल है प्राइस में? कम ज्यादा हो जाएगा? प्राइस में कम ज्यादा हो सकता है। हो सकता है ना। और नाम ट्रांसफर या फिर फाइनेंस की सुविधा है आपके साइड से? नहीं, नाम ट्रांसफर कस्टमर का ही रहता है। कस्टमर का फाइनेंस का देते हैं सुविधा? फाइनेंस की सुविधा मिल जाएगी। फाइनेंस की सुविधा है। जैसे कि लेना होगा तो कितना पे करना पड़ता है स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में ये जैसे 7 लाख की गाड़ी है, 16 का मॉडल है। हाँ। तो उस हिसाब से मान के चलिए 2 से 3 लाख में ये फाइनेंस हो जाती है। 2 से 3 लाख में। हाँ। फाइनेंस हो जाती है। तो भैया ने डिटेल बताया, और कुछ अंदर में कुछ फीचर्स आपको पता होगा तो बता जी, सकते हैं। हाँ। इसमें जैसे कि अंदर में एयरबैग्स दिया हुआ है? एयरबैग्स है। एयरबैग्स है। सामने दोनों है कि? सामने दोनों है, और विथ एसी है। एसी भी दिया हुआ है गाड़ी में। एसी है, पावर स्टीयरिंग है, कंपनी फिटेड सीट कवर मिलेगा, साथ ही कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम टच स्क्रीन में। म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है, इसमें आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा लाइट्स दिए हुए हैं। एक्स्ट्रा लाइट्स दिए हुए। टायर तो देखना ही नहीं पड़ेगा महिंद्रा की गाड़ी में, कोई बस डिटेल देना ही नहीं पड़ता। महिंद्रा स्पेशल टायर, स्पेशली टायर्स लगे हुए हैं। अलग से टायर्स लगे? अच्छा, अलग से लगे। अच्छा, मॉडिफाई बोल सकते हैं। तो इसके बाद हुंडई का देखते हैं इयोन। ये 2014 की मॉडल है। 2014 की मॉडल है। 42,000 चली है गाड़ी। 42,000 ओनली। पासिंग कहाँ की? पासिंग है ये दुर्ग पासिंग ही है। दुर्ग पासिंग है। पासिंग। और ये ओनर क्या होगा, फर्स्ट है कि सेकंड ओनर? फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर। थार देखे वो भी फर्स्ट ओनर? फर्स्ट ओनर। अच्छा, इसका प्राइस क्या बताया आप? इसका प्राइस है, इयोन का प्राइस आएगा हमको 2,30,000। 2,30,000 पासिंग दुर्ग का ही है। और इसमें फीचर्स क्या दिया हो? फीचर्स है इसमें, फीचर्स तो सारे हैं। फीचर्स में अगर देखा जाए एक्स्ट्रा फीचर्स, तो एक्सेसरीज में आपको कुछ भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, पावर विंडो दिया होगा? हाँ, पावर विंडो वगैरह तो खैर दिए ही हुए हैं। हाँ। इवन का ही सेकंड टॉप मॉडल है तो, बाकी एसी नॉर्मल जो दिया रहता है वो? हाँ, कंपनी फिटेड है कि कुछ चेंज हुआ हो?
कंपनी फिटेड है, सब कंपनी फिटेड है। और एसेसरीज जो है वो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, कस्टमर को 30-40 हज़ार खर्च अच्छा, करने की जरूरत नहीं। नई गाड़ियां लेते हैं कस्टमर 30-40 हज़ार वैसे ही खर्च में। अच्छा, इसमें सब चीज़ नया लगा हुआ है। इसमें इंश्योरेंस है? इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है इसमें। नाम ट्रांसफर बाकी कराना पड़ेगा कस्टमर। इसके बाद अपन देखते हैं अल्टो का। सर ये अल्टो? हाँ अल्टो है, ये 2015 मॉडल है। अच्छा, 225 इसका प्राइस है। 2,25,000। इसमें भी नेगो सेट है? हाँ इसमें भी नेगो नेगो हो जा रहा है। इसका पासिंग कहाँ? सीजी 24 है ये, बालोद पासिंग ही है। बालोद पासिंग है ना। और इसका प्राइस 225 बताया। ओनर? हाँ ओनर है ये, सेकंड ओनर है। और कुछ होली में कुछ ऑफर रखे हैं आपके शॉप के साइड से? होली ऑफर 10-15 तक की डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा 10-15 हज़ार डिस्काउंट हो जाएगा। और आपका शॉप में और क्या चीज़ क्या, मतलब कार वॉश वगैरह का भी? हाँ कार वॉश की भी सुविधाएं हैं हमारे शॉप में। कार एसेसरीज का भी काम है हमारा। अच्छा कार एसेसरीज का भी काम है, पूरा कार श्रृंगार करके देते हैं। कार श्रृंगार। अच्छा और ये कितने अप्रोक्स चला, कितना होगा ये? ये चला है अप्रोक्स 62,000 किलोमीटर। 62,000 चली हुई है। बाकी देखना तो पड़ेगा नहीं, इसमें क्या फीचर्स है एक्स्ट्रा में? और एक्स्ट्रा में एसी वगैरह भी है, सामने पावर विंडो दिया हुआ है। अच्छा टू डोर्स में। वैसे उतना अल्टो में तो ज़्यादा रहता नहीं है, तो पावर विंडो दिया हुआ है बोल रहे हैं। और एसी ऑन है, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है। इसके बाद देख रहे हैं बोलेरो। हाँ ये 2009 की मॉडल है। 250 है इसका प्राइस। 250 ओनली? हाँ ओनली 250। कितना चला होगा ये? ये चला होगा लगभग 1 लाख के। अच्छा 1 लाख समथिंग चला होगा। इसका पासिंग है, रायपुर की पासिंग दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है फीचर्स में? फीचर्स में अब नॉर्मल ही है ये, 10 सीटर है। 10 सीटर तो, हाँ नॉर्मली आज के डेट में अगर हम बोलेरो लेने जाते हैं तो 9 सीटर्स या 7 सीटर्स ही वो तो है। आपको नए में 9 सीटर्स भी बंद हो गया, 7 सीटर ही मिलेगा। ये 10 सीटर है। अच्छा 10 सीटर में है। और इसका प्राइस बताया आप? 250 प्राइस है। और ओनर कौन सा, फर्स्ट है कि सेकंड? सेकंड ओनर है। सेकंड ओनर है। अच्छा इसका कंडीशन तो बाकी मैं आपको दिखाऊंगा। टायर वगैरह करीबन 60% तो ओके ही है। बाकी एसी ऑन है भैया? एसी ऑन है। ऑन है ना। तो इसके बाद देखते हैं अपन सेकंड कार। सर ये रिट्ज़ है, 2012 मॉडल है ये। 225 है इसका रेट, 2,25,000। अच्छा 2,25,000। 70,000 किलोमीटर चली है। 70,000 किलोमीटर। पासिंग कहाँ का है ये? पासिंग 04 है, रायपुर पासिंग है, CG04। अच्छा ओनर कौन सा? ओनर है ये, सेकंड ओनर है। सेकंड ओनर। इसमें बाकी क्या दिया होगा फीचर्स में? फीचर्स में इसमें पावर विंडो दिया हुआ है, पावर स्टीयरिंग तो है ही, एसी भी है। और माइलेज क्या होगा इसका? माइलेज इसका 16 प्लस है। जैसे कि थार देखिए, पर थार का माइलेज क्या होगा? ये डीजल है तो इसका 20 प्लस आएगा। अच्छा 20 प्लस डीजल है। अच्छा और थार में क्या था माइलेज का? थार का माइलेज है लगभग 17-18 देता है अगर आप लंबा टूर कर रहे हो। बाकी इसमें एसी पावर विंडो दिया हुआ, कंपनी फिटेड है ना सभी? बाकी यहाँ डेंटिंग पेंटिंग तो नहीं रहती ना गाड़ी? डेंटिंग पेंटिंग इसमें थोड़ा सा पेंट है। अच्छा थोड़ा बहुत अगर स्क्रैच वगैरह रहता तो कंप्लीट करके देते हैं। तो वेल फिनिश्ड पेंट है ये। अच्छा बाकी एकदम प्योर वैसा नहीं है बाकी, क्योंकि 12 की मॉडल है तो थोड़ा बहुत निश तो होता ही है। इसके बाद देखते हैं सेंट्रो। सेंट्रो कौन सी मॉडल है सर? सेंट्रो है ये, 2014 की मॉडल है। हाँ। और इसका प्राइस है 240,000। अच्छा 240,000 है। ओनर कौन सा होगा ये? ये फर्स्ट ओनर ही है। फर्स्ट ओनर है। पासिंग कहाँ का है? पासिंग है ये 24। अच्छा बालोद का ही पासिंग है। तो जैसे बालोद का कोई ले रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ज्यादा? नहीं पासिंग का क्या? बालोद का लेने से तो और प्रॉब्लम नहीं होगा। पासिंग का ये होता है जैसे अदर डिस्ट्रिक्ट के कस्टमर अगर लेते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट के पासिंग को तो कुछ चार्जेस नेम ट्रांसफर में कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा आ जाते हैं। एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लगता है। और इसमें बाकी कंपनी फिटेड लगे हुए हैं। एसी ऑन है? हाँ एसी ऑन है। और पावर विंडो इसमें दिया रहता है? पावर विंडो दिया हुआ है ना। मॉडल क्या बताते हैं आप इसका? मॉडल 2014। अच्छा 2014, 2014 का मॉडल बताते हैं। अच्छा इसके बाद देखते हैं अपन स्विफ्ट डिजायर। ये डिजायर कौन सी मॉडल है? ये डिजायर है 2009 की मॉडल है। अच्छा 2009 की मॉडल है। हाँ इसका प्राइस क्या रखे हैं? इसका 2 रखे हैं प्राइस। अच्छा 2। हाँ
ये ओनर कौन सा होगा? ये है फर्स्ट ऑनर ही है। फर्स्ट ओनर है। हाँ पासिंग है दुर्ग की पासिंग। हाँ बाकी फीचर्स की बात करें तो अच्छा, फीचर्स तो बहुत अच्छा है, कंडीशन वेल मेंटेन कंडीशन है। वेल मेंटेन हाँ कंडीशन में है। डीजल है। डीजल में हाँ माइलेज इसका तो 20+ ही होगा। 20+ है, 22+ है इसमें। 22+ है। हाँ वैसे अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो 22 के प्लस ही दिखाता है प्लस से देखा स्विफ्ट डिजायर। था। और फीचर्स में और कुछ? फीचर्स में तो सारी चीज़ें दी हुई हैं, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें जो रहती है, पावर विंडो है, अच्छा अच्छा एसी है, पावर स्टेरिंग है, सारी चीज़ें अच्छा अवेलेबल तो है। इसके बाद है कौन सी कार है? ये सेलेरियो है क्या? सैलरी सेलेरियो देखते हैं। ये मॉडल कौन सा होगा इसका? है 2016 मॉडल है ये। हाँ अच्छा 2016 की मॉडल है। 4 लाख है इसका प्राइस जो चार है। लाख प्राइस। ओनर कौन सा होगा? ये ऑनर फर्स्ट ऑनर ही फर्स्ट है। में पासिंग कहाँ की? ऑटोमेटिक है और अच्छा ऑटोमेटिक में दिया ऑटोमेटिक हुआ है। गियर है। हाँ गियर है तो पासिंग है इसका 07 ही है, दुर्ग दुर्ग पासिंग की है। हाँ पासिंग है। आने के बाद सभी गाड़ियों में नेगोशिएबल होगा कुछ कम ज़्यादा? अच्छा गाड़ी में 32,000 किलोमीटर मात्र चली है गाड़ी। मात्र 32,000 चली हुई है। और ये कितना चली थी स्विफ्ट डिजायर? स्विफ्ट डिजायर चली है 80,000 चली अस्सी है। हज़ार चली हुई है। और फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या क्या दिया हुआ? फीचर्स में सबसे अच्छा फीचर इसमें ये ऑटो गियर है। अच्छा ऑटो गियर सबसे पहले। तो ये ज़्यादातर जो यूजर लड़की फ्रेंडली लोग है। चला हाँ रहे हैं उसके लिए। हाँ लड़कियाँ अगर चला रही हैं तो उनके लिए तो बेस्ट है ये। हाँ और ये दरअसल इनके फर्स्ट ऑनर भी एक लड़की थी, अच्छा वही लड़की ही थी चलाई फर्स्ट। हुई है। तो बाकी तो अंदर का ऑन ही होगा सभी चीज़। हाँ इसके बाद देखते हैं होंडा सिटी। होंडा सिटी है ये, 2016 की मॉडल है। 7 लाख है इसका प्राइस जो है। 7 लाख प्राइस है। हाँ ऑटो गियर है, ऑटो गियर है ये भी। ऑटोमेटिक गियर है, अच्छा टॉप मॉडल है, विथ सनरूफ, सनरूफ वगैरह भी सनरूफ दिए भी हुए दिया हैं हुआ है। अच्छा एक्स्ट्रा फीचर्स में। और क्या है अंदर फीचर्स? और तो बहुत सारे फीचर्स है होंडा सिटी के टॉप मॉडल में, जो जो फीचर्स दिए उतने सारे अवेलेबल है इसमें। अच्छा इसका रनिंग कितना और हुआ होगा? रनिंग इसका ओनली 42,000, ओनली 42,000 ओनली हुआ फोर्टी है। टू थाउजेंड मतलब अभी जो ले रहे हैं उसके लिए ये न्यू कंडीशन में ही न्यू मिलेगा। कंडीशन में ही है और बाकी कुछ वेल टचअप मेंटेन वगैरह तो कार नहीं है। हुआ है ना? नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, अच्छा ओरिजिनल है और वेल मेंटेन कार वेल मेंटेन है। है। पासिंग की बात करें तो दुर्गा पासिंग की बात करें 07 है, दुर्ग पासिंग का ही है। पासिंग हाँ है। वैसे दुर्ग में गाड़ियां ज़्यादा जल्दी बिक जाती है। हाँ जल्दी बिक जाती है। और दुर्ग की पासिंग अगर यहाँ आसपास के लोगों से कंपेयर किया जाए, अगर ओनर आसपास के लोग हैं हाँ तो ओनर फ्रेंडली भी है ये अच्छा ओनर पासिंग जो फ्रेंडली है। है। हाँ क्योंकि यहाँ का आरटीओ का काम जो है बहुत इसमें इजी इंश्योरेंस तो रहता है, होगा हो फिर? जाता है इजीली। इंश्योरेंस है अभी? इंश्योरेंस है। अच्छा इंश्योरेंस है। बाकी पासिंग बता दिए है, गाड़ियों का कंडीशन, टायर तो देखना ही नहीं पड़ेगा। टॉप मॉडल में है, ऑटो गियर में है। इसके बाद है कौन सी कार है सर? वो एक्सेंट है एक्सेंड जो है। कि डीजल में है। अच्छा डीजल वेरिएंट। मॉडल कौन सी होगी? मॉडल है ये 07 पासिंग है ये हाँ 07। एक्सेंट, अच्छा और मॉडल ये आ जाएगी 2015 मॉडल है ये। 2015 की हाँ मॉडल है। इसका फीचर्स क्या होगा? फीचर्स इसमें है, डीजल है सबसे पहले तो, अच्छा डीजल एवरेज में बहुत बढ़िया है, माइलेज अच्छा ही होगा। 22+ है एवरेज जो 22+ है। ही। हाँ अच्छा और और वेल मेंटेन कार है, बहुत कम चली है अच्छा पासिंग किलोमीटर भी। रायपुर है। हाँ रनिंग कितना हुआ होगा? रनिंग ये हुआ है 78,000 किलोमीटर है, डीजल के हिसाब से कम ही है ये रनिंग 78,000। 15 के मॉडल में। बाकी फीचर्स और अंदर क्या दिया होगा इसमें? अंदर एसी है, नॉर्मल जो हाँ गाड़ियों में आजकल दिया रहता है ये सारे फीचर्स हैं वैसे। पावर स्टेयरिंग है, एसी है, पावर विंडो है। और लगभग आपके पास गाड़ियों का कलेक्शन कब तक आता है? गाड़ियों का अपडेट कलेक्शन कब तक होते रहता है? अपडेट ये 2-3 महीनों में ही अपडेट हो जाता है अच्छा काफ़ी। 2-3 महीनों में, मतलब हाँ जैसे ही गाड़ी बिकती जाती है हाँ वैसे ही बिकती आते जाते जाती है हैं। वैसे ही आते जाती है, और कुछ दूसरी बोलना गाड़ियाँ भी चाहेंगे आप अवेलेबल ही सब्सक्राइबर है। को आपके शॉप के थ्रू? सब्सक्राइबर को यही कहना चाहूँगा कि हम हमारे शॉप का दरअसल ये है कि हम गाड़ियों का कंडीशन मेन देखते हैं, कंडीशन के हिसाब से ही हम गाड़ियाँ रखते हैं। भले ही कस्टमर को बहुत अच्छी चीज़ मिले, भले ही प्राइस में 10, 5, 15 का कुछ होता है वेरिएशन तो वो चलता है वक्त पर, चीज़ अच्छी मिले उस टाइप का ही हम गाड़ियाँ रखते हैं। तो जैसे कि भैया ने बताया और साथ ही शॉप का नाम है वेलकम करके है ना सर? वेलकम करके है। मेन रोड में ही मिलेगा बालोद के बस स्टैंड के पहले।
बालोद बस स्टैंड के पहले और ये सामने है सुमित बाजार के आगे। अच्छा, बालोद के तरफ सुमित बाजार के पहले पड़ेगा बोल रहे हैं भैया। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बालोद में अभी तक ऐसा कभी तक वीडियो नहीं बना है सेकेंड हैंड गाड़ियों में, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे से जुड़ना है, बात करनी है, कुछ भी डिटेल चाहिए, तो मेरा आईडी नंबर है Chitransh12345, मेरे से जुड़िए। और आपको कॉन्टेक्ट नंबर भैया का भी मेरे के थ्रू मिल जाएगा। कोई भी गाड़ी डिटेल चाहिए, शॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, स्क्रीन में भी शो होगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।